हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। सो आज हमारा एनिवर्सरी है, जैसे कि बताई थी मैं कल, तो मैं इनको आज एनिवर्सरी विश कर रही हूँ। और ये पहने नहीं है नया ड्रेस, मैं पहन लिया हूँ नया ड्रेस। तो अभी ये है नया ड्रेस, एक खरीदी थी, ये खरीदवाए थे, तो मैं उनको एक गिफ्ट देने वाली थी, लेकिन वो गिफ्ट तो आया नहीं। तो हैप्पी एनिवर्सरी। हाय 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 एवरीवन, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। हाय, अभी हम टेंपल जाएंगे जहाँ पे हमारी शादी हुई थी, और हमारी शादी टेंपल में हुई थी। और ये टेंपल का नाम केदार गौड़ी है, भुवनेश्वर में, लुइस रोड पे है। और इसलिए आए हैं कि भगवान को एक बार थैंक यू बोल देते हैं कि जो हमारी मतलब एक साल बहुत अच्छे से कटी और आगे का थोड़ा पूरा लाइफ भी कोरोना बढ़िया से हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब शादी करते ही कोरोना लागू हो गया, ऐसे कुछ हुआ था उस टाइम पे, फिर भी एक साल अच्छे से गुजारे हम लोग। तो अभी चलते हैं मंदिर, और वो मंदिर थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कैसे है क्या है। तो अभी रखती हूँ, बाय बाय। सो फ्रेंड, ये जो मंदिर देख रहे हैं सिद्धेश्वर मंदिर है, उसके साइड में है, मतलब हमारे जहाँ पे शादी हुआ था उस मंदिर का नाम है केदार गौड़ी मंदिर। और यहाँ पे इसका एंट्री है, इसके अंदर हम मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, या वीडियो रिकॉर्डिंग करना, कुछ भी करना अलाउ नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा बाहर से ही दिखा देती हूँ, मोबाइल थोड़ा सा सेक हो रहा है तो ठीक से नहीं आ रही है कि मतलब पिक्चर। तो चलिए देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा जो होता है बाहर का, लेकिन भगवान का फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ बाहर का है, और ये सबसे मतलब बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे ये जो मंडप देख रहे हैं ना, इस मंडप पे ही हमारा शादी हुआ था, और हम लोग इसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद ये थोड़ा सा हम सजावट में लगे हुए हैं दोनों पति पत्नी, क्योंकि आज तो एनिवर्सरी है, सोचे कि कल सजावट कर सकते थे, लेकिन कल करने से क्या होता है, बैलेंस वगैरह फट जाएगा, तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या के आज मतलब आके केक लेके आके उसके बाद थोड़ा सा सजावट कर रहे हैं। और मेरी दीदी और उनके बेटी आए हुए हैं, तो वो दोनों तो रेस्ट कर रहे हैं, आज ही आए हुए, तो उन लोगों को थोड़ा बोल नहीं सकती ना, तो इसीलिए ये हम दोनों कर रहे हैं। और इसके बाद मैं जाऊंगी थोड़ा सा नहाने, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी लग रहा है, आपके वहाँ पे गर्मी हो रहा है, थोड़ा बोल दीजिए। तो मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ पे मतलब देख रहे हैं ना, पूरा सजावट हुआ है, और हम वेट किए हैं कुछ मतलब गेस्ट को, मतलब ज़्यादा तो नहीं बुलाए हूँ। और ये थोड़ा सा हुआ है, और दिखा देती हूँ पूरा फुल। यहाँ पे रोटी, मशरूम और पनीर और मंचूरियन और पनीर पकोड़ा, फ्राइड राइस, रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन, ये सब हम लोग ऑर्डर किए थे स्विगी से, क्योंकि कंपनी के तरफ से 2000 वाउचर मिला था, और ये सब ऑर्डर कर लिए थे, और फ्राइड राइस भी ऑर्डर किए थे। तो दोनों लोग आए थे तो खाने के लिए, गेस्ट थोड़ा कम आए थे, तो इसीलिए जो इनके कंपनी के तरफ से। और यहाँ पे मतलब केक कटिंग के लिए रेडी मतलब हो गया है। और मैं बोल रही थी ना, तो ये तीन स्टाफ को बुलाए थे, लेकिन एक स्टाफ के कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नहीं आ पाए, तो ये सिर्फ दो स्टाफ आए हुए हैं। अभी हम मतलब केक कटने में मतलब रेडी कर रहे हैं, और चलते हैं, देखते हैं मतलब केक कटिंग, और उसके बाद खाना पीना खा के रेस्ट करेंगे।
यहाँ पे मतलब सारा केक कटिंग ख़त्म हो गया और थोड़ा हम लोग केक खा लिए। अभी मैं थोड़ा सा जाके साड़ी चेंज करके खाने के लिए निकालूँगी। और अभी मतलब हो गया है करीब 9 बज गया है, तो सोचे कि खाना दे देते हैं। ये सब दूर से आए हुए हैं, तो खाना खा के अभी रेस्ट करेंगे, कल बात करते हैं। सो फ्रेंड, मैं खाना खा के रात को सो गई थी, और तो इसलिए मैं गिफ्ट नहीं दिखा पाई। तो सोचा कि अभी गिफ्ट आया है तो दिखा देती हूँ। और ये है, एक स्टाफ ने दिए थे गिफ्ट, और इसमें जो ऊपर लगा है चॉकलेट, ये मेरे लिए है। और मुझे तो इतना चॉकलेट पसंद नहीं है, तो ये खाएंगे और दिखाती हूँ इसका मतलब गिफ्ट। ये तो मुझे मतलब खोलने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। तो चलते हैं, खोलते हैं कैसा है गिफ्ट। और ये मुझे एक स्टाफ ने, उनके इनके स्टाफ ने दिए थे, तो बोले थे कि चॉकलेट मेरे लिए है और गिफ्ट इनके लिए है। और यहाँ पे खोलने के बाद कुछ ऐसा गिफ्ट निकला। ये फ्रेम का है मतलब गिफ्ट, घड़ी भी बीच में लगा हुआ है। और ये जो है दूसरा वाला गिफ्ट है, ये मेरी दीदी ने दी थी, और मुझे राधा कृष्णा बहुत पसंद है इसीलिए दीदी ने दी थी। और ये जो तीसरा वाला गिफ्ट है, मेरे भाई ने गिफ्ट दिए थे, ये भी फ्रेम और घड़ी का है। और आप लोगों को मतलब ये सारा तीन गिफ्ट कैसा लगा तो ज़रूर बताएंगे। और अच्छा लगे एनिवर्सरी का मतलब मेरा एनिवर्सरी का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।